अस्सलाम वालेकुम। कोरंगी से आते हुए जब हम FTC की तरफ बिल्डिंग तरफ जाते हैं तो ये रास्ते में एक बड़ी सी स्लैब नज़र आएगी। ये गोरा कब्रिस्तान कहलाती है जगह। ये तकरीबन आयशा भवानी स्कूल के पीछे और FTC के अपोजिट पड़ती है। तो यहाँ पे बड़ी पुरानी 200 साल पुरानी कब्रें भी कहते हैं यहाँ के निगरान के हैं इसमें। और एक ख़ास बात इसकी बताई उन्होंने कि इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पे पोलैंड से बहुत से महाजरीन यहाँ पर लाए गए थे जो यहाँ कराची में रह रहे थे। उसके बाद उनकी जैसे इंतकाल करता गया तो यहाँ पे कुछ कब्रें उनकी भी हैं। तो इस वजह से ये पोलैंड का सिफारत खाना इनको देखभाल के लिए पैसे भी देता है सालाना, जिसकी वजह से इनको मेंटेन रखते हैं। ये FTC बिल्डिंग है, उसका मॉन्यूमेंट एक सामने बनाया हुआ। तो उसमें इस तरह से सिलसिला इसका है। तो लोग पता नहीं मुझे अंदर जाने देते हैं नॉर्मल लोगों को या नहीं। तो वैसे तस्वीरें वगैरह तो लोग देख सकते हैं मीडिया में। ये लेफ्ट को रास्ता जा रहा है जेकब लाइन और सदर को निकल रहा है ब्रिज के नीचे से। और ये हम घूम के अब FTC बिल्डिंग की तरफ आ जाएंगे। तो अभी FTC बिल्डिंग हमारे राइट साइड पे थी, अब तकरीबन ये हमारे अपोजिट पड़ेगी जैसे हम लोग ये फ्लाईओवर उतरेंगे। ये सामने इसका स्ट्रक्चर है पूरा, ये खड़ा हुआ जो। तो यहाँ से हम लोग आगे अब ज्वाइन कर लेते हैं इस पे शारे फैसल पे। तो इस सड़क एज यूजल यहाँ पे टूटी हुई है, ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता जाके जुड़ेगा उससे। तो मेरा सफ़र यहाँ तक का था। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।